हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्ञानेंद्र सिंह, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई क्यों नहीं दी जाती है और एसी सप्लाई ही क्यों दी जाती है। अगर हम डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में इंड्यूस करते हैं तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, पहले ये डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते ट्रांसफार्मर में, इसको समझने से पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई देते क्यों हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, और ट्रांसफार्मर में आउटपुट हमें वोल्टेज कैसे मिलता है, मीन्स आउटपुट सप्लाई कैसे मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए सबसे एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देते हैं, तो जो एसी सप्लाई हम प्राइमरी वाइंडिंग में देंगे ट्रांसफार्मर के, तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसमें क्या होगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होगा। जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। अल्टरनेटिंग मतलब फ्रेंड्स क्या होगा, जो करंट का फ्लो होगा वो डायरेक्शन अपना चेंज करेगा। अल्टरनेटिंग करंट क्या करती है, डायरेक्शन अपना चेंज करती रहती है हर सेकंड में। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा, मीन्स उसका जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा उसकी भी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा आउटपुट सप्लाई में। तो इस तरह से हमारा एसी क्या कर जो एसी करंट जो है हमारी, जब हम ट्रांसफार्मर पे इंड्यूस करते हैं तो हमारा जो कोर है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का, वहाँ पे हमारा फ्लक्स जनरेट होता है। फ्लक्स हमारा अल्टरनेटिंग रीजन का, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। जो अल्टरनेटिंग नेचर का करंट होगा, सॉरी फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स क्या करेगा, हमारी ट्रांसफार्मर की आउटपुट वाइंडिंग को भी इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा, मीन्स वोल्टेज हमें रिसीव हो जाएगा। तो ये तो रीजन है कि हमारा ट्रांसफार्मर पे जो एसी सप्लाई रिसीव होती है वो, तो और आउटपुट वाइंडिंग पे हमें एसी सप्लाई कैसे रिसीव होती है। अगर हम डीसी की बात करें फ्रेंड्स, डीसी सप्लाई की, तो जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में डीसी सप्लाई को देंगे, डीसी सप्लाई अगर जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में देंगे, तो डीसी करंट का जो नेचर होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। डीसी करंट हमेशा क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में ही वर्क करता है, सेम डायरेक्शन में चलेगा। तो वहां पे क्या होगा, कोई आउटपुट पे हमें कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, मीन जब कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तो वहाँ वोल्टेज हमें कोई रिसीव नहीं होगा। तो जो हमारा हमने डीसी सप्लाई हमने ट्रांसफार्मर के इनपुट पे दी है, वहाँ पे क्या होगा, जब कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, तो इनपुट पे हमारा करंट का फ्लो ज़्यादा होने लगेगा। करंट का फ्लो ज़्यादा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी और इम्पीडेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। इम्पीडेंस की वैल्यू कम होने की वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, कि हमारी जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की वो जल सकती है, डैमेज हो सकती है, हमारा ऑपरेटर जल सकता है। इसीलिए कभी भी ट्रांसफार्मर की इनपुट में या मीन्स ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई नहीं दी जाती है। होपफुली आपको समझ में आएगा।